नमस्ते, आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं बहुत ही फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी, ब्रेड उपमा। अगर बच्चों का कुछ डिफरेंट खाने का मन करता है और अगर आपके पास ब्रेड है घर में, तो आप फटाफट से टेस्टी सी ब्रेड उपमा बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ली है ब्राउन ब्रेड। आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए या फिर उसको तोड़ लीजिए इस तरह से। फिर आधा कप दही लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए और उसको पतला कर लीजिए पानी मिला के। बस ज़्यादा पतला नहीं, इतना कि ब्रेड उसको अच्छे से पी ले। बहुत ज़्यादा गीला मिक्सचर भी नहीं बनाना, बस इतना ही होना चाहिए कि ब्रेड अच्छे से उसको अब्सॉर्ब कर ले। अच्छे से मिक्स करिए। मैंने थोड़ा सा नमक और डाला बाद में और फिर इसको ब्रेड के साथ मिक्स कर दिया। बस इतना कि ब्रेड उसमें सोक हो जाए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। इसके बाद तड़के की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने लिया थोड़ा सा घी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे एक चम्मच राई। जैसे ही राई तड़तड़ाने लगे, हम इसमें डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च, फिर डालेंगे दो हरी मिर्च। इसके बाद हम डालेंगे मूंगफली दाने, बहुत नटी टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर हम डालेंगे प्याज, हल्का गोल्डन ब्राउन ही करना है, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, फिर हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। इसके बाद जैसे ही करी पत्ता थोड़ा ग्रीन होने लग जाए, थोड़ा रोस्ट होने लग जाए, हम इसमें डाल देंगे चने की दाल और उड़द की दाल, दो दो चम्मच। मैंने ये दालों को थोड़ा सोक कर लिया था दो घंटे पहले, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट रहें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर थोड़ा सा। आप चाहें तो थोड़ा नमक और ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस इसके बाद दही और ब्रेड का मिक्सचर इसमें डाल दीजिए। इसको फटाफट फटाफट मिक्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, दो मिनट ही पकाना है। इसके बाद डाल दीजिए इस पर धनिया बारीक कटा हुआ और सर्व कर दीजिए। इसको कटोरी में डाल के उल्टा कर दीजिए कटोरी और ये हो गया सर्व। तो भाई बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब लगता है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आप भी बनाइए और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।